Hello my dear student, today we will solve word problem based on addition. Means आपके exercise 3.4 में word problem दिए हुए हैं जो किस पे based है, addition पे based है. Okay, let us see. Question number first is the municipal board spent 56,755 rupees on education, 3,33,000 rupees on construction, and 22,465 rupees on medical facilities. Find the total amount spent by the municipal board. Means municipal board ने education means शिक्षा पे 56,752 रुपए खर्च किया. Spend means खर्च करना. एंड 3,33,000 कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया एंड 22,465 रुपीज मेडिकल फैसिलिटीज पर खर्च किया. फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द म्युनिसिपल बोर्ड. मीन्स हमें वो टोटल अमाउंट प्राप्त करना है कि म्युनिसिपल बोर्ड ने कुल कितना खर्च किया है. ओके, लेट अस सी सॉल्यूशन. फर्स्ट द म्युनिसिपल बोर्ड spent 56,752 rupees on education, 3,33,000 rupees on construction, and 22,465 rupees on medical facilities. Okay, so to find out total amount find करने के लिए हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एड करेंगे. सो 2 + 5 = 7, 5 + 0 + 6 = 11, and 1 is carry, 7 + 1 = 8, and 4 = 8, 4 = 12. We write 2 and 1 is carry, 1 and 6 = 7, 7 and 3 = 10, 10 and 2 = 12. We write 2 and 1 is carry, 1 and 5 = 6, 6 and 3 = 9, 9 and 2 = 11. We will write 1 and 1 is carry, 1 and 3 = 4 rupees. Means उसने टोटल कितना स्पेंड किया है, 4,12,217 रुपीज, 4,12,217 रुपीज. Thus, the total amount is spent by the
म्युनिसिपल बोर्ड बोर्ड इक्वल्स 4,12,217 rupees. ओके, दिस इज द आंसर. लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इलेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर सीट द फोर कैंडिडेट्स रिसीव्ड 1,25,798 एंड 75,748 एंड 1,12,345 एंड 27,589 वोट्स रिस्पेक्टिवली. हाउ मेनी वोट्स इन ऑल वेयर पोल्ड. मीन्स एक इलेक्शन में, इलेक्शन मीन्स चुनाव, एक इलेक्शन में फॉर ए पर्टिकुलर सीट, किसी एक सीट के लिए द फोर कैंडिडेट, जिसमें फोर कैंडिडेट्स थे, उन्होंने रिसीव किया है, कितना वोट प्राप्त किया है. फर्स्ट वाले कैंडिडेट ने 1,25,798 वोट प्राप्त किए, सेकंड ने 75,748 वोट प्राप्त किए, थर्ड ने 1,12,345 वोट प्राप्त किए एंड फोर्थ ने 27,589 वोट्स प्राप्त किए. आगे कराए हाउ मेनी वोट्स, कितने वोट्स इन ऑल कुल मिलाकर वेयर पोल्ड पोल्ड किए गए. तो कुल मिलाकर इन मतलब चारों का टोटल मिलाकर कुल कितना वोट पोल्ड किया गया. ओके, लेट अस सी सॉल्यूशन टू. नंबर ऑफ वोट्स बाय फर्स्ट कैंडिडेट इक्वल्स 1,25,798 एंड सेकेंड कैंडिडेट्स के द्वारा कितना वोट प्राप्त किया गया, 75,748 एंड थर्ड 1,12,345 एंड फोर्थ कैंडिडेट के द्वारा 27,589 वोट्स प्राप्त किए गए. तो 27,589. अब हमें टोटल वोट्स फाइंड करने हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उनका सम फाइंड करेंगे. ओके, 8 and 8 equals 16, 16 and 5 equals 21, 21 and 9 equals 30, 30 में 0 write करेंगे, 3 is carry, 3 and 9 equals 12, 12 and 4 equals 16, 16 and 4 equals 20, 20 and 8 equals 28, so we write 8 and 2 is carry, 2 and 7 equals 9, 9 and 7 equals 16, 16 and 3 equals 19, 19 and 5 equals 24. So we write 4 and 2 is carry. Next 2 and 5 equals 7, 7 and 5 12, 12 plus 2 14, 14 plus 7 21 में हम 1 write करेंगे and 2 is carry. Next 2 plus 2 equals 4, 4 plus 7 equals 11, 11 plus 1 12, 12 plus 2 14, 14 में हम यहाँ 4 write करेंगे and 1 is carry. 1 and 1 2, 2 and 1 3. Okay, 3,41,480. Thus, votes
where poll in all means चारों कैंडिडेट्स का अगर हम मिलाकर वोट्स फाइंड करेंगे तो कितना होगा 341,480 वोट्स. ओके दिस इज डन. लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इन एन एग्जामिनेशन 85,928 स्टूडेंट्स पास्ड व्हाई 56,890 स्टूडेंट्स फेल्ड. हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जाम मीन्स एक एग्जाम में 85,928 स्टूडेंट पास होते हैं जिसमें 56,890 स्टूडेंट्स फेल होते हैं. ओके तो हाउ मेनी स्टूडेंट कितने स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जाम एग्जाम में प्रेजेंट थे या अपीयर थे हम उन्हें फाइंड करेंगे. लेट अस सी सॉल्यूशन नंबर 3. सो नंबर ऑफ नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट इक्वल्स पास्ट स्टूडेंट कितने हैं 85,928 एंड नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स मीन्स वो स्टूडेंट जो फेल हो गए उनकी संख्या कितनी है नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट 56,890. अब हम टोटल स्टूडेंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे. ओके लेट अस सी 8 + 0 = 8 2 एंड 9 = 11 सो वी राइट 1 and 1 इज कैरी 1 and 9 = 10 10 and 8 = 18 18 में हम 8 राइट करेंगे एंड 1 इज कैरी 1 + 5 = 6 6 and 6 = 12 12 में हम 2 राइट करेंगे एंड 1 इज कैरी 8 and 1 = 9 9 and 5 = 14 ओके 1,42,818. सो उस एग्जाम में कुल टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे 1,42,818. Thus 1,42,818 students appeared in the exam. Okay, this is done. Now let us see our next question. A farmer purchased a piece of land for 6,24,598 rupees. He sold that land with a profit of 1,28,978 rupees. Find the total amount he sold the land for. Means एक फार्मर एक लैंड खरीदता है 6,24,590 रुपीज में ही सोल्ड और उसे बेच देता है उस लैंड को
प्रॉफिट्स पे, कितने प्रॉफिट पे, 1,28,978 मीन्स वो 6,24,598 रुपए में उस लैंड को खरीदता है, और जब उसे बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितनी होती है, 1,28,978। सो फाइंड द टोटल अमाउंट, हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। ही सोल्ड द लैंड फॉर, जिसमें उसने उस लैंड को बेचा है। ओके, लेट अस सी सॉल्यूशन। नंबर 4, तो लैंड उसने किस अमाउंट में खरीदा था, 6,24,598। में उसने लैंड को खरीदा था, इतना अमाउंट उसने फॉर पीस ऑफ लैंड, फॉर ए पीस ऑफ लैंड। एंड प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, 1,28,978 रुपीज पे उसका प्रॉफिट है, 1,28,978 इतना उसको प्रॉफिट मिलता है, ये उसका प्रॉफिट है। तो जब इतने प्रॉफिट पे वो उस लैंड को सेल करता है, मीन्स बेचता है, तो कुल अमाउंट हमको फाइंड करना है, टोटल अमाउंट उसने कितना प्राप्त किया। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल देखें, सपोज मान लीजिए आपने कोई साइकिल 2000 में परचेज किया था, मीन्स खरीदा था, और उसे आप 200 रुपीज़ प्रॉफिट में बेचते हैं, मीन्स अगर आप बेचते हैं तो आपको उसमें 200 रुपीज़ प्रॉफिट होता है। तो आपने टोटल किस अमाउंट में उसको सेल किया, 2,200। ओके, तो हम दोनों क्या करेंगे, प्लस कर दिए। तो ऐसे हम यहाँ भी प्लस करेंगे कि जो फार्मर है वो लैंड को तो खरीदा था, तो कितने में, 6,24,598 रुपीज़ में खरीदा था, और उसे 1,28,978 प्रॉफिट पर बेच रहा है, मीन्स इस अमाउंट में वो उसने लैंड को परचेज किया था, और उससे इतना प्लस करके, इतना ज़्यादा करके वो उसे बेच रहा है, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। सो लेट अस सी, 8 and 8 = 16, 1 is carry, 1 and 9 = 10, 10 and 7 = 17, and 1 is carry, 1 + 5 = 6, 6 and 9 = 15, so we write 5 and 1 is carry, 1 and 4 + 8, 1 and 4 = 5, 5 + 8 = 13, 1 is carry, 1 and 2 = 3, 3 and 2 = 5, there is no carry, and 6 and 1 = 7. Okay, 7,53,576. Thus, the total amount he sold the land for, means वो अब total amount उसका क्या हो गया जिसमें उसने उस land को sell किया है, बेचा है, तो 7,53,576 रुपीज। ओके, दिस इज डन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। 8,03,422 men, 1,54,343 women, and 22,124 children watched the movie
जुरासिक पार्क हाउ मेनी पीपुल वॉच्ड द मूवी मीन्स 8,03,422 मेन्स 1,54,343 वुमेन्स एंड 22,124 चिल्ड्रन हैं जो कौन सी मूवी देखते हैं जुरासिक पार्क। पूछ रहा है हाउ मैनी पीपुल तो कुल मिलाकर मतलब इन तीनों को मिलाकर कुल कितने लोग मूवी देखते हैं। ओके लेट अस सी सॉल्यूशन। नंबर फाइव नंबर ऑफ मेन इक्वल्स मेन्स कितने हैं 8,03,422 एंड नंबर ऑफ वुमेन इक्वल्स वुमेन्स कितनी है 1,54,343 नेक्स्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे कितने हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इक्वल्स 22,124 इतने चिल्ड्रेंस हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पीपुल मतलब सभी पीपुल का फाइंड करना है कुल कितने पीपुल हैं तो हम क्या करेंगे इनका प्लस फाइंड करेंगे इनको प्लस करेंगे इसका सम फाइंड करेंगे 2 and 3 इक्वल्स 5, 5 and 4 इक्वल्स 9, 2 and 4 इक्वल्स 6, 6 and 2 इक्वल्स 8, 4 and 3 इक्वल्स 7, 7 and 1 इक्वल्स 8, 3 and 4 इक्वल्स 7, 7 and 2 9, 0 and 5, 5, 5 and 2 7 8 and 1, 9, 9,79,889 ओके दस 9,79,889 people watched the movie. Okay, this is done. Now exercise 3.4 is finished. Okay, thanks and take care.